Pero para que nuestras equipos चयनित गांवों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस योजना में लाभुकों को 11,500 रुपए प्रति एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए अग्रिम अनुदान का प्रावधान है। करें कोविड अनुरूप व्यवहार, तभी होगी कोरोना की हार। जाति का व्यवहार पर कार्यक्रम हटिए हटिए थोड़ा सा। कक्षा 7 से 12 के प्रत्येक छात्र को महामारी प्रबंधन एवं सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु हर वर्ष 300 रुपए की राशि दी जाती है। और ये सलामी मंच के पास ही गुजरती हुई बेटा की छाती मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सर्वोच्चा से होगा वर्षित हर गांव। आज के अवसर पर ये छाती प्रदेश देवी सर्वोच्चा का उपयोग करके शहरों गांव गांव को भी वर्षित किया जा सकता है। सोलर स्ट्रीट लाइट से होगा गांव गांव उजियारा धान जाएगा दर का उजियारा। अब किसानों से गुजर रही बेटा की छाती जिसके राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत होने वाले विकास के लिए सरकार की पहल और कार्यों की झलक दिखाई गई है। गांव में उक्त योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन के बाद ही स्थिति का परे भाई। अरे उज्जैन खड़े रहिएगा, गजब आदमी है। निर्धारित स्थल तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, चल जाइए एकदम साथ है। राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियां मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर रही है। ये झांकियां विभिन्न विभागों पार्षदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। आपकी तरह हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं रंग बिरंगी झांकियों का लुत्फ लेने की। हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2022 कुल 8 विभागों की झांकियां आपके समक्ष मुख्य मंच के सामने से होकर गुजरेगी। संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा कर DPR तैयार कर लिया गया है। बिहार की लगभग 85% आबादी गांव में निवास करती है और लगभग 76% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों का पर निर्भर है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में तीसरे कृषि रोड मैप के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन एवं उत्पादकता के गुणात्मक वृद्धि किसानों के आय को में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से धान एवं गेहूं की खरीद अधिप्राप्त की जा रही है। इस वर्ष खरीफ में 45 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।